Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भैया ये है बिग बॉस का खेला। अब हमको पता है कि माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा की गेम जो आगे जाके इनकी जो जोड़ी बनी थी ऐसी जबरदस्त जोड़ी के कमाल भैया ये टूटी नहीं और अभी तक माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा का को साथ में लोग देखते हैं। लेकिन माहिरा शर्मा ने आते ही किसको पसंद किया? सिद्धार्थ शुक्ला को। वो कुछ जेंटलमैन लग रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक सिद्धार्थ शुक्ला उनको जेंटलमैन लगे और बाकी सब। और पारस छाबड़ा को तो रिजेक्ट कर दिया कि जब सलमान खान ने कहा कौन बंदा है जिससे आप सब्जी खरीदने जाएंगी वो डे उसके साथ अपने अबू मलिक के साथ, क्योंकि अबू मलिक को देख के सब्जी वाले सब्जी सस्ती कर देंगे, तो वो आसिम रियाज तो खैर मेरा भाई है। और यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला उनको लगते हैं जेंटलमैन, कि ये थोड़े जेंटलमैन लग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किससे दूर रहना पसंद करोगे घर में, तो पारस छाबड़ा बोली इनसे जो अपनी क्लीवेज दिखा रहे हैं। तो लेकिन बाद में भैया पारस छाबड़ा के साथ ही माहिरा शर्मा का ऐसा कनेक्शन जुड़ता है कि एंड तक दोनों का कनेक्शन बना रहता है। ये है बिग बॉस का खेला। अब शुरू के एपिसोड, इसलिए मैं कहता हूँ अब हम शुरू से देख रहे हैं क्योंकि हमको आगे का पता है, तो इस हिसाब से, क्योंकि भैया बिग बॉस में कोई कुछ भी हो सकता है। शहनाज गिल आके पारस छाबड़ा को पसंद करती हैं और काफ़ी देर तक पसंद करती रहती है, लेकिन बाद में कैसा आज सिद्धनाज है, आज कहीं पे पारस छाबड़ा दूर दूर तक नहीं है सिद्धार्थ शहनाज गिल की जिंदगी में। तो ये है बिग बॉस का खेला। क्या कहते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.